मेरा खिचड़ी और खीर बन गया। अभी इधर नारियल का नारू बन रहा है, नारियल का, और इधर सब्जी पाज भाजा और सब्जी काट काट के धो के रखा है, अभी बनाऊंगी। इधर भगवान को सजा रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, मतलब भोग प्रसाद भी बना रही हूँ। ये देखो बर्तन पूरा फैला हुआ है, तो मेरा नारियल का नारू मतलब पाक आ गया, अभी नारू बनाएंगे। नारू हस्बैंड हेल्प कर रहे, नहीं तो ये मतलब एक हाथ से होता नहीं है। तो अभी फ्राई करने के लिए बिठा दिया, और इधर मेरा मुर्गी बन रहा है और मोआ भी बन गया। बहुत कुछ बनाया आज, और इधर देखो कितना सुंदर करके अल्पना डिज़ाइन कर रहे। अभी मैं पूजा का तैयारी शुरू कर दिया, उधर भोग प्रसाद सब कुछ बन गया, ढक के रख दिया, बाद में प्लेट में डाल के फिर भगवान के सामने रखूँगी। तो इसीलिए अभी पूरा सब रेडी करे, मतलब जो घट स्थापना करेंगे अभी, क्योंकि आज पूरा दिन पूर्णिमा है। तो कैसे दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आज कोजागिरी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजा के सबको बहुत बहुत बधाई। तो सबका बहुत अच्छा जाए, सब कुछ, सब मतलब लक्ष्मी देवी सबको जो जो मन का मुराद है सब पूरी कर दे। अभी मेरा भोग प्रसाद भी थाली सज गया, सब कुछ दे दिया मैंने, सजा के रख दिया। अभी पूजा शुरू हो जाएगा, क्योंकि शाम 6 बज गया, 6:15 हो गया, अभी संध्या मतलब होने वाला है। हो भी बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो अभी पूजा करूँगी मैं। पूजा करने के बाद फिर दिखाती हूँ। बहन भी आएगी, उनके सासू माँ भी आएंगे मेरे घर में। मैं तो जाने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड का फिर नाइट ड्यूटी है। तो मैं घर स्थापना के लिए घर के ऊपर सिंदूर डाल रही हूँ, उसके बाद घर स्थापना होगा, उसके बाद पूजा शुरू होगा। তুমি মনে মাগো ছেড়ে যেও না, তোমারই দুটি চরণ স্পর্শে হৃদয় জাগিবে শক্তি হর্ষে, রাখিব তোমারই সবারই শীর্ষে, পুজিব চরণ কমলা খানি। मेरा कोजागिरी पूर्णिमा का लक्ष्मी पूजा कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया, अभी हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, उसके बाद सभी प्रसाद मैंने भगवान के बर्तन से खाली करके नॉर्मल मेरा जो डेली बर्तन है उसमें रख दिया, क्योंकि नहीं तो टेबल पे रखूंगी नहीं ना पूजा का बर्तन। इसीलिए ये मेरा अखंड दिया है, ये पूरा रात भर जलेगा। अभी इसमें घी लगेगा तो डाल दूंगी मैं बाद में। और किचन अभी साफ करना बाकी है, ये देखो बर्तन, ये सब करूँगी, कब करूँगी, साड़ी पहन के तो होगा नहीं, बाद में करती हूँ। पूजो करे ऐसे बातों बातों में मेरी जगन्नाथ और उसके नाम माँ आ गए, मतलब काकी माँ बहन का जो सासू में है आ गए। একটা প্রসাদ খেয়ে যাবে মানে ওখানে দারুণ লাগছে শাড়িটা কিন্তু, হ্যাঁ এইটাই আমার ভাল লাগছিল।
ঠান্ডা হয়েছে কিন্তু ভালো লাগছে। হ্যাঁ জুজিও তাই বললো, বলে ঠান্ডা হয়েছে, এই যদি গরম হতো আরও কত সুন্দর লাগতো। জিজু একটুখানি খেয়ে গেল আর নিয়ে গেল, তরকারিটা একটু ঝাল ঝাল করেছি। चलो हम भोग खा लिए, दीदी का भोग बहुत ही अच्छा हुआ था। अभी हम जा रहे हैं बेंगोली एसोसिएशन में, ये नहीं जा रहे थे, जोर जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। आज का दिन कल से तो घर पे ही है, क्या बताए आपका ये ब्लॉगर को, मेरे चैनल पे जाके मेरा ब्लॉग देखो सबका भोग प्रसाद खाना शुरू हो गया, उधर हवन हो रहा है, पूजा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही भोग सबको देना शुरू कर दिया। अभी दस भी बज गया ना रात का, भोग खा लिए हमने, अंधेरा पूरा, अभी घर जाना है, इनको छोड़ना है। ये ब्लॉग क्या हमारा है या इसका है, हम ही बोलते जा रहे हैं। तो कैसा लगा आज, बहुत टायर्ड है स्वाति ब्लॉगर, अभी घर पे जाके इतना बर्तन है वो धोना पड़ेगा और क्या क्या काम करना पड़ेगा, फिर सोएगी। तो बारी जाते घर में जाके फिर बातें करते हैं। चलो अभी भूख खा के आ गए, अभी देखो ये अखंड दिया तो जलेगा जैसे मैंने पहले ही बताया। और अभी मैं ड्रेस चेंज करके साड़ी खोल के घर का ड्रेस पहन के इतना बर्तन मैं अभी साफ करूँगी, क्योंकि पूरा सब पूजा का बर्तन है, इधर जितना पूजा का है सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से फिर डेली उसका जो बर्तन है वो निकालूंगी। चलो कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।